सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि लगभग कुछ दिनों पहले ही Asus ROG Strix G15 विद Ryzen 5 5600H एंड RTX 3050 Ti लॉन्च हुआ था इंडिया में। इट इज इंडियाज फर्स्ट लैपटॉप विद RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड। नाउ प्राइस पॉइंट उस वक्त दोस्तों था, देख सकते हैं आप लोग, 93,000 रुपीज। आज के दिन में जो अपडेट है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि सेम लैपटॉप लॉन्च हुआ है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जो आप लोगों को स्क्रीन साइज देखने को मिलता है वो है 17 इंच लैपटॉप। नाउ बहुत सारे लोगों के मन में दोस्तों ये सवाल आ रहा होगा कि क्या 17 इंच वाला लैपटॉप जो है अपने बैग में फिट होगा। तो दोस्तों मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पुराना 15.6 इंच का लैपटॉप है तो आप उसे जो है अपने बैग में फिट करके देखिए। अगर वो जो है अभी फिट हो रहा है तो मींस ये वाला जो 17 इंच का लैपटॉप है आप लोगों का मोस्ट लाइकली फिट उसमें हो जाना चाहिए। द रीजन बीइंग इज दोस्तों, आजकल जो लैपटॉप के ओवरऑल फुटप्रिंट है वो काफी ज्यादा रिड्यूस्ड हो गए हैं। वन ऑफ द मेन रीजन बीइंग इज द बेजल्स। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तीनों साइड से जो है यहाँ पे आप लोगों को नैरो बेजल्स देखने को मिलती है। वेबकैम इसमें आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, वो अलग से जो है आप लोगों को बॉक्स में दिया जाएगा। बाय द वे फ्रेंड्स, जो वेबकैम दिया जा रहा है आपको बॉक्स में, दैट इज एन वेरी हाई क्वालिटी वेबकैम, 1080p 60fps वाला जो है वेबकैम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो डिजाइन चेंजेस के कारण जो है, जो पहले 17 इंच का लैपटॉप हुआ करता था दोस्तों, अब जो है उसका ओवरऑल फुटप्रिंट लगभग 15.6 इंच से 16 इंच तक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ उन स्पेसिफिकेशंस की जो कि यहां पे मेंशन नहीं है, जो कि मुझे लगता है कुछ हद तक छुपाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि इस स्क्रीन की कलर एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, रिफ्रेश रेट मेंशन कर दिया 144 हर्ट्ज, तो मैं आप लोगों को जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं दोस्तों। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो लैपटॉप है इसके कुल मिला के 4 वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे विद RTX 3050 Ti एंड 3050। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है दो टाइप की स्क्रीन ही अवेलेबल है, 300 हर्ट्ज वाली है और 144 हर्ट्ज वाली है। 144 हर्ट्ज में दोस्तों आप लोगों को जो अडोबी sRGB देखने को मिल रहा है, दैट इज 47%। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों इट इज रिटन रॉन्ग कि sRGB आप लोगों को यहाँ पे 100% देखने को नहीं मिल सकता, जबकि अडोबी sRGB 47% है। तो sRGB जो है लगभग आप लोगों को 66% के करीब देखने को मिलनी चाहिए। सो डेफिनेटली इट्स नॉट एन 100% sRGB कलर एक्यूरेट पैनल। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज छुपाई जा रही है, वो है बैटरी साइज। तो बैटरी साइज भी दोस्तों इसका निकल कर आता है 56 वॉट आवर का। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देखनी चाहिए। एंड इसका RTX 3060 वाला भी वेरिएंट है दोस्तों, जिसके लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहां पे आप लोगों को जो है बैटरी साइज 90 वॉट आवर की देखने को मिल रही है, और जो SSD कैपेसिटी है वहां पे बढ़ के जो है आपकी 1 TB हो जाती है, और जो प्रोसेसर आप लोगों का दोस्तों बढ़ के हो जाता है वहां पे Ryzen 9। तो ये कुछ आप लोगों को अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं। एंड बाय द वे दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो तक यहां तक पहुंच ही चुके हैं तो मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। एक और चीज दोस्तों यहां पे ये आती है कि क्या Asus ROG Strix G15 का RTX 3050 वाला वेरिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, या फिर यूं कह लीजिए Asus ROG Strix G17 का आप लोगों को RTX 3050 वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जी हां, चलिए चलते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुका हूं। हम लोग यहां पे नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, और स्क्रॉल डाउन करते करते दोस्तों हम लोगों को पहले मिला G17 का वेरिएंट। तो यहाँ पे आप लोग पाएंगे दोस्तों G17 का RTX 3050 Ti वाला वेरिएंट है, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ। 3050 वाला भी वेरिएंट आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड पे, जिसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये वाला एक वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक और वेरिएंट उसमें आ जाएगा, जिसमें आपको जो है RTX 3050 भी देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करें दोस्तों, तो हम लोग पहुंचेंगे G15 वाले सेक्शन पे। कहां गया, हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, तो G15 वाले में RTX 3050 Ti वाला भी जो है दोस्तों लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है। और अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता लगेगा कि G15 भी जो है RTX 3050 के साथ में आप लोगों को देखने को इंडिया में जरूर मिल जाएगा। नाउ दोस्तों मैं पर्सनली इंटरेस्टेड क्यों हूं RTX 3050 वाले में, बिकॉज समवेयर आप दोस्तों हकीकत जानते ही हैं, अगर थोड़े भी स्पेसिफिकेशंस अच्छे होते हैं और RTX 3050 Ti ग्राफिक कार्ड आता है, जो प्राइसिंग जो है ऑलमोस्ट 85,000 to 90,000 रुपीज आप लोगों का आराम से अप्रोच कर जाता है। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों RTX 3050 वाले लैपटॉप की, तो वो वाले लैपटॉप आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है 9,000 to 10,000 रुपए जो है दोस्तों RTX 3050 Ti वाले लैपटॉप से सस्ते मिलने चाहिए। तो वो वाले जो लैपटॉप है कंफर्टेबली 80,000 रुपीज तक का जो है प्राइस पॉइंट आराम से हिट कर सकते हैं। डेफिनेटली परफॉर्मेंस
उसमें थोड़ा बहुत डिप देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इतना तो चलता ही है। अगर पैसे उतने ज्यादा है ही नहीं और लैपटॉप फिर भी चाहिए तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे RTX 3050 वाले लैपटॉप के लिए वेट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखिए एक चीज तो साफ है, ठीक है, भले वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इंडिया में लॉन्च हो ना हो, बजट वाले वेरिएंट तो लॉन्च होते ही होते हैं, तो आज नहीं तो कल आप लोगों को RTX 3050 वाले वेरिएंट भी जो है जरूर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।